खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका हेलेन केलर के जीवन पर आधारित ये कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए। हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन। आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलेन, आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, 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 गुड़िया। अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया। अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं
एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो मैं लिख रही हूं पानी। हाँ हाँ शाबाश पानी। नी। एक बार फिर कोशिश करो पा। हाँ नी। यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी। जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी। मिसेस केलर जी, हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना। जरूर, मैं अभी बजाती हूँ। शाबाश हेलेन। मिस सलीवन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं नहीं मिसेस, मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है। मिस सलीवन, मिसेस केलर, हेलेन बोल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई। यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं। उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया। ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी। हेलेन केलर। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख मधु बी जोशी, कलाकार मंजू मैनी, प्रभुदयाल खट्टर, सुचित्रा गुप्ता, आशा ब्राउन और अनन्या, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा सिम्मी कुमार
तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।